अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान जिले का सबसे प्रतिष्ठित एवं संसाधन युक्त कॉलेज जेड इस्लामिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ बीसीए, बीबीए, ब्लिस, पंचायत राज, अकाउंटेंसी इत्यादि कोर्सों में एडमिशन चल रहा है। यहाँ डेली प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लास एवं लैब की उत्तम व्यवस्था। यदि आप रोजगार उन्मुखी कोर्सों में नामांकन चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें जेड इस्लामिया पीजी कॉलेज में या कॉल करें 99391-23815। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने प्रसिद्ध मेहदार मंदिर के मुख्य पुजारी को गोली मारी है। मुख्य पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय को 2 गोली लगी है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के रामगढ़ गाँव के समीप की है। बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध मेहदार मंदिर के मुख्य पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय बाइक से जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने पुजारी पर ताबड़तोड़ 3 गोली बरसा दी, जिसमें 2 गोली पुजारी को लगी है। पुजारी के गाल और कमर पर गोली लगी है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही घटना को अंजाम देकर अपराधी आसानी से फरार हो गए हैं। घटना के बाद घायल पुजारी को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। वहीं पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रही है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, सिवान के प्रसिद्ध मेहदार मंदिर के मुख्य पुजारी को अपराधियों ने गोली मार दी है। मुख्य पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय को 2 गोली लगी है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आप बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। घटना चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव के समीप की है। बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध मेहदार मंदिर के मुख्य पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय बाइक से घर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने पुजारी पर ताबड़तोड़ 3 गोली बरसा दी, जिसमें 2 गोली पुजारी को लगी है। पुजारी के गाल और कमर पर गोली लगी है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही घटना को अंजाम देकर अपराधी आसानी से फरार हो गए हैं। घटना के बाद घायल पुजारी को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। बाइक से जा रहे थे, तो रास्ते में महेंद्रानाथ और रामगढ़ के बीच रास्ते में एक चिमनी है, चिमनी के सामने ही घटना हुआ। कोई को था सब? बाइक सवार 3 लोग थे। एक बाइक पर? हाँ, एक ही बाइक। माइक किधर गया था? वो मेहदार मंदिर की तरफ चला गया। कौ गोली लगी? क्या सर? कितना गोली लगा है? तीन गोली चला है, उसमें 2 गोली लगा है। अच्छा, बाएं साइड कमर पे लगा है और एक गाल पे लगा है। अच्छा, ये आप कौन हैं? उनके उनके भाई हैं। अच्छा, भाई है। जी। अच्छा, कोई विवाद था पहले से? कोई विवाद? सर कोई विवाद नहीं है सर। इसके पहले भी वहाँ मैदान मंदिर पुजारी नहीं सर? ऐसे नहीं सर, दो महीना पहले सर, जैसे जाते थे श्री गंगा जी रविवार पर स्नान करने के लिए, तो वहाँ पे भी नोनिया हाई स्कूल के साथ इनके पास वार हुआ था, तो सर उसका FIR हुआ था और तो उसमें कोई क्षति नहीं हुआ। इनका गाड़ी आगे एक अभिषेक पांडे है जो और एक नीतीश कुमार शाह दोनों मारा था। जी। हाँ, तो उसके साथ आज से 2 महीने पहले जो घटना हुआ था उसमें कोई क्षति नहीं हुआ था। जा रहे थे, तो रास्ते में महेंद्रानाथ और रामगढ़ के बीच रास्ते में एक चिमनी है, चिमनी के सामने ही घटना हुआ। कोई को था सर? बाइक सवार 3 लोग थे। एक बाइक पर? एक बाइक। हाँ, एक ही बाइक। माइक किधर गया था? मेहदार मंदिर की तरफ चला गया। कौ गोली लगी है? क्या सर? कितना गोली लगा है? तीन गोली चला है, 2 गोली लगा है। अच्छा, बाएं साइड कमर पे लगा है और एक गाल पे। अच्छा, ये आप कौन हैं? उनके उनके भाई हैं। भाई है। जी। अच्छा, कोई विवाद था पहले से? कोई विवाद? कोई विवाद नहीं है सर। इसके पहले भी वहाँ मैदान मंदिर की पूजा नहीं सर? सर दो महीना पहले सर, जैसे जाते थे सुशोर गंगा जी रविवार को स्नान करने के लिए, तो वहाँ पे भी नोनिया हाई स्कूल के साथ उनके पास वार हुआ था, तो सर उसका FIR हुआ था और उस
क्षति नहीं हुआ, इनका गाड़ी आगे मैंने उन्हें भैया था कि वहाँ से बैने 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 उसमें भैया किसको किए थे? एक अभिषेक पांडे हैं, एक अभिषेक पांडे हैं जो और एक नीतीश कुमार शाह, नीतीश कुमार शाह दोनों बात जी जी हाँ। तो उस सर आज एक दो महीने पहले तो घटना हुआ था, कोई क्षति नहीं हुआ था। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।